विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रा का अगला टॉपिक है वुडवर्ड एंड फिशर रूल। ठीक है, सबसे पहले हम कंजुगेटेड इन्स के लिए देखते हैं। समवलयाकार संयुग्मित डाई इन क्या होती है? देखो, एक ही रिंग में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलोगे? होमो एनुलर डाइईन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ये रहा, एक ही रिंग में क्या है? कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल। ठीक है, नेक्स्ट हिट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाइईन या डबल बॉन्ड देखें तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि डबल सिंगल डबल, इसी प्रकार इस एग्जांपल में डबल सिंगल डबल, ऐसे इसमें डबल सिंगल डबल। हिट्रो एनुलर डाइन क्या होंगी? जिनमें डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग्स में प्रेजेंट हो, वो हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन या डबल बॉन्ड्स होंगे। आप देखो, आपको मॉलिक्यूल दे दे, उसमें आप एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की पहचान कैसे करेंगे? तो ये तो क्या होता है? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और रिंग के जो बाहर होता है वो क्या कहलाता है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या बाह्य चक्रीय द्विबंध। इसी प्रकार इस ए रिंग के लिए जो ये है, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बाह्य चक्रीय द्विबंध। इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल में इस ए रिंग के लिए तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसी प्रकार बी रिंग के लिए ये क्या हो जाएगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जो वलय से बाहर प्रेजेंट हो। जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने कोई, और इसके ये भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे रिंग के बाहर उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे कि और देख लीजिएगा एग्जाम्पल, इसे क्या बोलेंगे? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो है ये क्या कहलाएगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसी प्रकार एक इसमें इस मॉलिक्यूल में एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये रहा, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये रहा। ठीक है, अब इस बी रिंग के लिए ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और इसे क्या बोलेंगे? एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल में क्या है? ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये क्या कहलाएगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे इसमें ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब इस रिंग के लिए भी और इस रिंग के लिए भी क्या है? ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब वलय का विस्तार करने वाला द्विबंध कैसे देखोगे? जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल आ गया, और एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुकेशन। ठीक है, वलय का विस्तार करने वाला द्विबंध, इसके लिए अपन +30 ऐड करते हैं इन में। अब देखो, कुछ मान है याद करने पड़ेंगे लैम्बडा मैक्स निकालने के लिए। 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए लैम्बडा मैक्स जो मूल मान आता है, बेस वैल्यू कितनी आती है? 217 नैनोमीटर। और समचक्रीय होमो एनुलर के लिए आती है 253 नैनोमीटर, और विषम चक्रीय डाइईन के लिए आती है 214 नैनोमीटर। ठीक है, संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध के लिए +30 नैनोमीटर आएगा। कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो, उसके लिए 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। वलय अवशेष
जो कंजुगेशन होने के बाद में जो वलय बच जाती है वो क्या कहलाती है, वलय अवशेष। ठीक है, जहाँ से आप कट लगाओगे वलय अवशेष में, उसके लिए एक के लिए कितना, वलय अवशेष के लिए 5 ऐड करना है। ठीक है, और बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए कितना ऐड करना होता है, +5, इंक्रीमेंट है ये। ठीक है, जैसे कुछ समूह जुड़े हुए हैं, ओ आर जुड़ा हुआ है तो +6 ऐड करना है, एस आर ओ एस एसीटेट समूह जुड़ा हुआ है तो इतना ऐड करना है, एन एस टू समूह जुड़ा हुआ, एन आर टू समूह जुड़ा हुआ है तो इतना ऐड करना है, ये मान याद करने पड़ेंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सबसे पहले आप मॉलिक्यूल को देखो, हिटरो है या होमो, एनुलर डाइईन। सबसे पहले अपन चेक करेंगे तो डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हेट्रो एनुलर डाइईन है। तो इसके लिए मूल मान कितना आएगा, 214 नैनोमीटर। अब वलय अवशेष देखेंगे, ये कॉन्जुगेशन यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो वलय अवशेष कितनी है, कॉन्जुगेशन के अलावा जो बची हुई है वो क्या है, वलय अवशेष। यहाँ से कट लगाओगे, यहाँ से काटोगे तो एक वलय अवशेष ये हो गई, दो ये हो गई और एक ये हो गई, तीन वलय अवशेष हो गई। ठीक है, एक वलय अवशेष के लिए कितना ऐड करते हैं, +5, तो तीन वलय अवशेष हैं तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और एक क्या है, बाह्य चक्रीय द्विबंध, जो ये रहा बाह्य चक्रीय द्विबंध है, वो ये रहा बाह्य चक्रीय द्विबंध। ठीक है, तो इसके लिए 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 234 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका जो लैम्बडा मैक्स आएगा वो कितना आएगा, 234 नैनोमीटर। एग्जाम्पल 2 देख लीजिएगा। अब देखो ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए मूल मान कितना आता है, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए मूल मान आता है 217 नैनोमीटर। ठीक है, तो 217 नैनोमीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए दो मैथिल समूह हैं, एक मैथिल समूह के लिए कितना ऐड करते हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ से कट लगाओगे, एक ही रहा एक ही रहा, तो कितने हो गए, 10। ठीक है, 10 ऐड करोगे तो 217 +10 कितना आएगा, 227 नैनोमीटर। एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। अब देखो ये क्या है, यदि रिंग के अंदर होमो भी है और हिट्रो भी है, देखो इसमें ये रिंग तो क्या है, हिट्रो, और ये क्या है, होमो, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, होमो को। ठीक है, तो इसके लिए यदि होमो भी आ जाए और हिट्रो भी आ जाए रिंग, तो किसको प्रेफरेंस देना है, होमो एनुलर को, तो इसको क्या मानोगे, होमो एनुलर डाइईन। इसके लिए मूल मान कितना आएगा, 253 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें वलय अवशेष देखते हैं, एक वलय अवशेष कहाँ है, ये रही। ठीक है, एक वलय अवशेष ये रही और एक वलय अवशेष ये रही, तीन वलय अवशेष हैं, तो इसके लिए एक के लिए 5, तो तीन के लिए कितना हो जाएगा, 15 नैनोमीटर। अब देखिएगा बाह्य चक्रीय द्विबंध, बाह्य चक्रीय द्विबंध कितना है इसमें, एक है। ठीक है, बाह्य चक्रीय द्विबंध ये रहा, बाह्य चक्रीय द्विबंध है इसमें क्या है, एक, जैसे कि ये रहा इस रिंग के लिए, ये क्या है, बाह्य चक्रीय द्विबंध, इसका मान कितना आएगा, 5, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 273 नैनोमीटर। तो इसके लिए कितना आया, 273 नैनोमीटर। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब ये देखो ये रिंग क्या है, हेट्रो एनुलर, हेट्रो एनुलर के लिए कितना मूल मान आएगा, 214 नैनोमीटर। अब वलय अवशेष देखेंगे, वलय अवशेष कितनी है, एक दो और ये तीन, कॉन्जुकेशन के अलावा जो भी बच गया वो क्या कहलाता है, वलय अवशेष, एक दो तीन। ठीक है, वलय अवशेष है तो तीन के लिए, एक के लिए 5, तो तीन के लिए कितना हो जाएगा, 15। अब बाह्य चक्रीय द्विबंध देख लीजिएगा, इस रिंग के लिए ये क्या है, बाह्य चक्रीय द्विबंध। ठीक है, तो कुल योग कितना हो जाएगा,
234 नैनोमीटर। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए। अब देखो ये क्या है, होमो मानोगे या फिर हिट्रो? इसको क्या मानोगे? होमो। ठीक है, इसको क्या मानोगे? होमो एनुलर डाइन। देखो ये रहा, एक रिंग में दो डबल बॉन्ड कॉन्जुकेटेड हैं, तो इसका मतलब क्या है? होमो एनुलर डाइन। अब संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध। ठीक है, संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध कितने हैं? देखो ये तो हो गया, एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया? डबल बॉन्ड ये रहा। ठीक है, तो एक यदि देखो यहाँ तक तो कॉन्जुकेशन हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में आपका वलय का विस्तार करने वाला द्विबंध कितने आ रहे हैं? दो, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, तो एक के लिए 30 ऐड करते हैं, तो दो के लिए कितना हो जाएगा? 60 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अब वलय अवशेष देखो कितनी है। एक यहाँ से कट लगाया, ठीक, एक वलय अवशेष, उसके बाद में दो वलय अवशेष, ठीक है, और एक ये रही 3, उसके बाद में 4 और एक ये रही 5। पांच वलय अवशेष हैं इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25, एक के लिए 5 और 5 के लिए कितना हो जाएगा? 25 नैनोमीटर ऐड करना है। अब भाई ये चक्रीय द्विबंध कैलकुलेट कैसे करोगे? अब देखो इस रिंग के लिए ये रहा बाह्य चक्रीय द्विबंध, ठीक है, और इस रिंग के लिए ये रहा बाह्य चक्रीय द्विबंध, ठीक है, और इस रिंग के लिए ये रहा बाह्य चक्रीय द्विबंध। वापिस से देख लीजिएगा, ये रिंग है, इसके लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध ये रहा, ठीक है, और जो ये रिंग है, ये रिंग है, इसके लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध ये रहा, ठीक है, और इस रिंग के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध ये रहा। ठीक है, तीन बाह्य चक्रीय द्विबंध है, तो 15 ऐड करोगे तो कितना लैम्बडा मैक्स आएगा इसका? कितना आएगा? 253 नैनोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार एग्जाम्पल 4 देख लीजिएगा। अब देखो ये समचक्रीय डाइईन है, वह रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका मूल मान कितना आया? बेसिक वैल्यू कितनी आई? 253 नैनोमीटर। अब एक एल्किल प्रतिस्थापी समूह क्या है प्रेजेंट? एक तो ये रहा एल्किल प्रतिस्थापी समूह, ठीक है, अब इसके बाद में वलावशेष कितनी है? दो, तो एक वलावशेष ये रही एक वलावशेष ये रही। ठीक है, 253 प्लस कितना ऐड करोगे? दो तो वलावशेष के लिए 5 प्लस 5, तो 10 तो ये हो गए, और एक एल्किल समूह के लिए 5 ये जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 15, 15 आएंगे, तो कुल टोटल करोगे तो कितना आएगा? 268 नैनोमीटर। अब देखो और एग्जाम्पल देखिए। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, पहले तो इसको चेक करो क्या है, होमो या हिट्रो? ये क्या है? होमो एनुलर डाइईन, मतलब समवलयकार डाइईन है। ठीक है, इसके लिए मूल मान कितना आएगा? 253 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद में संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध। देखो ये तो कॉन्जुकेशन तो यहां तक ही हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब वलय का विस्तार कौन कर रहा है? देखो डबल सिंगल डबल सिंगल एक डबल बॉन्ड ये आ गया, ये वलय का विस्तार करने वाला द्विबंध हो गया, तो इसके लिए कितना ऐड करोगे? +30 ऐड करोगे। ठीक है, अब दो एल्किल प्रतिस्थापी समूह व दो वलय अवशेष। अब देखो इसके लिए क्या करोगे? एक तो ये वलय अवशेष हो गई, ठीक है, दो तीन, ठीक है, और एक एल्किल प्रतिस्थापी समूह ये हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा?
20 ऐड कर दो इसमें, ठीक है, 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा? दो सौ तीन नैनोमीटर, ठीक है, कितना आएगा? 203 नैनोमीटर। उसके बाद में एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। अब ये देखो, ये रिंग क्या है, होमो है या हिट्रो है? हिट्रो एनुलर डाइईन है, मतलब डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, तो कितना मान हो जाएगा? 214 नैनोमीटर, ठीक है, 214 नैनोमीटर। अब चार एल्किल सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है इसमें? देखो वेलोसिटीज कितनी है, एक दो तीन, वेलोसिटीज कितनी हो गई? तीन। कॉन्जुगेशन के अलावा जो भी कट लगेगा वो क्या है? वेलोसिटीज, ठीक है, और एक एल्किल प्रतिस्थापी समूह है। तो कितना हो गया? 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख लीजिएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो कितना है? कितना हो जाएगा? 239 नैनोमीटर। ये एग्जाम्पल और देखो, ये क्या है, होमो है या हिट्रो है? डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? होमो एनुलर डाइईन, ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा? 253 नैनोमीटर। अब देखो एल्किल समूह एक तो ये रहा, वाला उसे देख लीजिएगा, एक दो और तीन, तीन क्या है? वलावशेष, और एक क्या है? एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20, एक के लिए 5, चार के लिए क्या हो जाएगा? 20। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहाँ है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखिए, इस रिंग के बाह्य चक्रीय द्विबंध कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा? बाह्य चक्रीय द्विबंध, ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 278 नैनोमीटर। तो ये हो गया आपका संयुग्मित डाइईनों में लैम्बडा मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनोन्स में पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनोन्स क्या होते हैं भाई? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इनोन्स कहलाते हैं। इनमें संकरण की बात करें, कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जाएंगे? इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार व नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जाते हैं। इनोन्स में पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पाए जाते हैं। हाँ, तो ये मैंने बता ही दिया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ इनोन्स क्या पाया जाएगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब देखो पराबैंगनी इनोन में पराबैंगनी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण टॉपिक। अब देखो आपसे कोई पूछे कि एथीन का 175 या 165 के समथिंग नैनोमीटर में लैम्बडा मैक्स आता है, जबकि इनोन्स का कितना आता है? 330 नैनोमीटर आता है, क्यों? अब देखो इसका कारण क्या है, कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें देख लो, ये एथीन है, ठीक है, इसका जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो कितने पे आ रहा है? 175 के समथिंग आता है नैनोमीटर पे। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जाते हैं, तो पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाता है, ठीक है। अब देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, मैंने ये फिल कर दिए, और दो ही एथीन में होते हैं ये फिल कर दिए मैंने, ठीक है। अब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो दो इधर आ जाएंगे, दो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? होमो, और ये क्या कहलाएगा? ल्यूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ल्यूमो का मतलब है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है।
अब इसमें देखिएगा, अब जो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड का नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है ये रहा नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। अब जो नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसका ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कम होता है, तो उसकी जो लैम्बडा मैक्स कितनी आएगी, 280 नैनोमीटर आती है, ठीक है। और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नैनोमीटर कितनी आती है, 190 के समथिंग आती है। अब देखो जो ये एनर्जी लेवल है, देखो पाई वन पाई टू पाई थ्री और पाई फोर, ये जो एंटी बॉन्डिंग है ऊपर वाले, इसमें अब देखो जो होमो टू ल्यूमो जो एनर्जी अंतराल है वो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग कितना आ रहा है, 230 नैनोमीटर। ये ज़्यादा क्यों हुआ, ये ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि जो एनर्जी गैप है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। एनर्जी गैप कम होगा तो लैम्बडा मैक्स का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी प्रकार देखो इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इसका लैम्बडा मैक्स कम होगा। जब ये कॉन्जुकेशन में आएंगे तो कॉन्जुकेशन होते ही लैम्बडा मैक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि जितना कॉन्जुकेशन होगा तो +30 ऐड करते जाते हैं। यदि ऐड करेंगे, जब इनका एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो होमो और ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी लेवल, जो एनर्जी का अंतर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कारण जो लैम्बडा मैक्स का मान है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें जो ये नॉन बॉन्डिंग है, इनोन में नॉन बॉन्डिंग और जो एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो जाता है, इस वजह से इनकी लैम्बडा मैक्स क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, ठीक है, उनमें लैम्बडा मैक्स क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इनोन्स में जब एथीन और कार्बोनिल कंपाउंड मिक्स होके इनोन्स बनाएंगे तो होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उनकी लैम्बडा मैक्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बोल दो या फिर इनोन्स में वुडवार्ड फिजर नियम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। देखो बेस वैल्यू क्या है, एसाइक्लिक या फिर 6 सदस्य वलयुक्त इनोन्स के लिए 215 नैनोमीटर बेस वैल्यू आती है, 5 सदस्य वलयुक्त इनोन्स के लिए 202 नैनोमीटर बेस वैल्यू आती है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइडी के लिए 210 नैनोमीटर आता है, ठीक है। अब जुड़ने वाले जो समूह हैं या फिर एल्किल प्रतिस्थापी है या फिर वलयवशेष है उनके लिए मान क्या आते हैं, संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए कितना आएगा, 30 ऐड करोगे। एल्किल प्रतिस्थापी समूह के लिए अल्फा पे है तो 10, बीटा पे है तो 12 ऐड करोगे, यानी कि वलयवशेष यदि अल्फा पे कट लग रहा है तो 12, बीटा पे लग रहा है तो 18, और गामा या इससे हायर डेल्टा है तो फिर उसके लिए क्या, 18 ऐड करोगे। बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए +5 ऐड करने हैं, सम वलयाकार डाइईन है उसके लिए +39 और ऐड करने हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, वलय आकार का क्या है, कीटोन है, उसके लिए मूल मान मैंने अभी बताया कितना होता है, 215 नैनोमीटर। अब एक एल्किल प्रतिस्थापी समूह किस पोजीशन पे है, ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत दे रखा है ये, ठीक है, अल्फा बीटा, अब देखो बीटा पे एक तो ये वाला अवशेष रहा, ठीक है, यह एल्किल समूह मान लो, ठीक है, और ये वाला अवशेष हो गया, ठीक है, तो एक तो वाला है, ये एल्किल समूह हो गया और ये हो गया वाला अवशेष, ठीक है। तो यदि बीटा पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, ये बीटा है और ये क्या है, अल्फा, ठीक है, एडजस्ट कार्बन,
इसको वलय अवशेष नहीं मानते कार्बोनिल कंपाउंड में, इसको वलय अवशेष नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसको वलय अवशेष नहीं माननी है आपको एडजस्ट कार्बन पे, जो ये है यहाँ कट नहीं लगाना, ये कार्बोनिल कंपाउंड पे ही अप्लाई होता है ये रूल, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 239 नैनोमीटर, 215 मूल मान हो गया। बीटा पे एल्किल प्रतिस्थापी समूह एक जुड़ा हुआ है, जो ये रहा, ठीक है। और बीटा पे वाला अवशेष कितनी है, एक है, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो 239 नैनोमीटर क्या आ जाएगा इसका लैम्बडा मैक्स, और जो ये कट है ये नहीं मानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है, मूल मान कितना है, 215 नैनोमीटर, वलयाकार साइक्लिक कीट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, 6 वलय वाला, ठीक है। इसके लिए मूल मान कितना हो जाएगा, 215 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें वलय अवशेष देखते हैं, देखो ये तो अल्फा हो गया, कार्बोनिल कार्बन के एडजस्ट कार्बन अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, ठीक है, और ये क्या हो गया गामा, ठीक है। अब बीटा पे वलय अवशेष कितनी है, एक वलय अवशेष ये रही, एक वलय अवशेष ये रही, ठीक है, ये हो गई दो वलय अवशेष, ठीक है। तो कितना आ गया, 12 × 2 24 आ गया। एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है, बाह्य चक्रीय द्विबंध देखिएगा कहाँ है, इस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए ये क्या है बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो इसके लिए कितना ऐड करोगे, +5, कितना ऐड करोगे +5, तो कितना आ गया 244 नैनोमीटर। ये आपको बता ही दिया, ये वाला अवशेष नहीं मानते कार्बोनिल कंपाउंड में, बीट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये सिर्फ किस में माननी है, इंस में, डाई इंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल थर्ड, अब देखो क्या है, साइक्लिक क्या है, 6 वाला कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके लिए मूल मान कितना आएगा, 215 नैनोमीटर। अब प्रतिस्थापी समूह देखते हैं, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये हो गया बीटा, बीटा ये हो गया। अब बीटा पे एक क्या है एल्किल समूह, बीटा पे क्या है, बीटा पे क्या है एक एल्किल समूह, तो ये रहा बीटा, ठीक है। एक तो एल्किल समूह हो गया और एक क्या हो गई वलय अवशेष हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया 24, तो 215 +24 कितना आएगा, 239 नैनोमीटर। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड का कितना आएगा, 239 नैनोमीटर पे क्या आएगा लैम्ब्डा मैक्स। ये एग्जाम्पल है, देखिए अब ये क्या है 5 मेंबर्ड वाला है, ठीक है। इसके लिए मूल मान कितना आएगा, 202 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध भी है। अब देखो यहाँ तो ये तो हो गया कॉन्जुकेशन, तो यहाँ तक ही हो गया, ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ रहा है, ये क्या कर रहा है कॉन्जुकेशन का विस्तार कर रहा है, तो इसके लिए प्लस कितना ऐड करोगे, 30 नैनोमीटर, ठीक है। अब बीटा कार्बन पे एक क्या है एल्किल समूह, एक क्या है एल्किल समूह, ठीक है, और एक गामा पे क्या है वलय अवशेष, ठीक है, और एक क्या है डेल्टा पे क्या है वलय अवशेष, ठीक है। तो जो बीटा पे एल्किल समूह है उसके लिए 12 ऐड करेंगे, और गामा और डेल्टा पे है उनके लिए 18 18 ऐड करेंगे, तो इसलिए कितना आ गया 36 आ गया। और बाह्य चक्रीय द्विबंध क्या है, ये रहा बाह्य चक्रीय द्विबंध, इस रिंग का ये रहा बाह्य चक्रीय द्विबंध, इसके लिए कितना ऐड करेंगे +5, तो ये क्या हो जाएगा कुल टोटल कितना आएगा, 285 नैनोमीटर। तो इसका लैम्बडा मैक्स कितना आएगा, 285 नैनोमीटर।